जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से, यानी आरआरसी की तरफ से ग्रुप डी का जो एग्जाम था, 4 साल के लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली डेट अनाउंस कर दी गई है। यहाँ पे एग्जाम का फुल शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सीबीटी वन का जो एग्जाम है फर्स्ट फेज का, वो आपका 17 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और 25 तारीख तक यहाँ पे आपका चलने वाला है शेड्यूल, जो कि फर्स्ट पॉइंट में मैंशन कर दिया गया है। बाकी इसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वगैरह इशू, ये सारी चीज़ें आपके हॉल टिकट पर मैंशन कर दी जाएंगी। फर्स्ट फेज में जो एग्जाम होना है वो आपका ईसीआर यानी ईसीआर में हाजीपुर आता है, साउथ सेंट्रल रेलवे यानी सिकंदराबाद, वेस्टर्न रेलवे यानी मुंबई जोन का एग्जाम जो है आपका फर्स्ट फेज में होना है, जो कि इसमें फुल शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो कि 17 तारीख से आपका इन तीनों डिविजन्स का या तीनों जोन्स का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्जाम शेड्यूल रिमेनिंग जो फर्स्ट बाकी जो फेसेस बचे हुए हैं, जो भी आरआरसी बची हुई हैं, उनका जल्दी ही जो रिमेनिंग शेड्यूल है वो जारी यहां से कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट पर मेंशन है कि आपका जो एग्जाम सिटी है और जो ट्रेवल पास होता है अथॉरिटी, एसटी और एससी वाले कैंडिडेट के लिए जो फ्री ट्रेवल पास दिया जाता है, वो जल्द ही आपका यानी 9 तारीख से लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग अपना एग्जाम सिटी देख सकते हैं। साथ ही साथ में आपका जो एसटी और एससी वाले कैंडिडेट हैं, वो अपना ट्रेवल पास जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। 9 तारीख से आपका जो लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। 4 दिन पहले आपका एग्ज़ाम जिस दिन होगा, जैसे 17 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो 13 तारीख को आपका हॉल टिकट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका लिंक भी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। और छठे पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आधार लिंक बायोमेट्रिक होने वाली है कैंडिडेट्स की, तो आप लोग सभी अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाएँ, जो कि आपका बायोमेट्रिक में काम आने वाला है। जो भी एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ पर आपकी आधार बायोमेट्रिक होने होगी, तो आपको आधार अपना ओरिजिनल लेके जाना है। जो ओरिजिनल फॉर्म होती है आधार की, फोटोकॉपी वगैरह नहीं होगी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना होगा, जो कि बायोमेट्रिक में वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे बता दिया गया है, जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी। किसी भी तरीके का मिसलीड या अनऑथेंटिकल सोर्सेज से कोई भी जो न्यूज़ है उस पर भरोसा ना करें, और बिवेयर रहें जो आपको मिसगाइड करते हैं, कैंडिडेट्स को प्रॉमिस करते हैं अपॉइंटमेंट देने का। 8 पॉइंट पे मेंशन है, तो ऐसे दलालों से सावधान रहें। तो 5 तारीख की डेट में ये यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है, तो फुल शेड्यूल जो है वो आपका जारी हो गया है। फाइनली 4 साल के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही और जोन की अपडेट आएगी हम आपको लगातार चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।